जितना इम्पोर्टेंट ये जानना है कि आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को कैसे निवेश कर सकते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी जानना है कि आप म्यूचुअल फंड से अपने पैसों को कैसे निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि किन कारणों से आपको अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए, सबसे पहला कारण हो सकता है अचीवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल, मतलब कि जो भी आपका गोल रहा हो, जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट निवेश को शुरू किया हो, वो गोल कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल था कि आपको 5 साल के बाद एक कोई कार लेनी है जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपका निवेश बढ़ के 10 लाख रुपये हो जाता है तो आप अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, अपने पैसों को निकाल सकते हैं। और दूसरा कारण हो सकता है किसी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, लाइफ में टाइम टू टाइम हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती है। हो सकता है कि जब आपने अपने निवेश को शुरू किया तब आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और रही हो और 2 साल बाद आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो, तो अगर आपको भी कभी किसी तरह की किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है तो आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम से अपने पैसों को रिडीम कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। और तीसरा कारण हो सकता है अंडर परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड। अगर आपको लगता है कि आपका म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अपनी कैटेगरी में दूसरे फंड्स की तुलना में, तो भी आप अपने फंड से अपने पैसों को निकालने के बारे में सोच सकते हैं। और चौथा कारण हो सकता है मार्केट वोलेटिलिटी। देखिए, शेयर बाजार बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, ये तो हम सभी को पता है। कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी अचानक से बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है। ऐसे ये रिकमेंड तो नहीं किया जाता, पर फिर भी अगर बाजार बहुत ज़्यादा गिर जाए तो आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम से अपने पैसों को निकाल सकते हैं। देखिए, कारण चाहे जो भी हो, अगर आपको कभी अपने पैसे निकालने पड़ जाते हैं तो आपको अपने म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने जिस भी फंड में निवेश किया है वो किस टाइप का फंड है, फॉर एग्जांपल वो क्लोज एंडेड स्कीम है या फिर वो कोई ओपन एंडेड स्कीम है। अगर आपने किसी क्लोज एंडेड स्कीम में निवेश किया, जैसे कि कोई ELSS फंड, तो वहाँ पर आपको कुछ लॉक इन पीरियड होता है जो कि मिनिमम 3 ईयर्स का होता ही है। इसका मतलब है आपने जब भी अपने पैसों को निवेश किया होगा, आप उस डेट से 3 साल तक अपने पैसों को नहीं निकाल सकते किसी भी सिचुएशन में। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए वो है आपकी स्कीम का एग्जिट लोड। देखिए, किसी भी ओपन एंडेड स्कीम में किसी तरह का कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं होता है, फिर भी ये डिपेंड करता है कि आप कब अपने फंड से अपने पैसों को रिडीम कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपको कोई एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं, पैसों को निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपये निकालते हैं तो आपको 1000 रुपये एग्जिट लोड देना होगा। यहाँ पर ये एग्जिट लोड और ड्यूरेशन एक वेरिएबल है, ये फंड टू फंड वेरी करते हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है किसी फंड का पे आउट टाइम। इसका मतलब है कि एक बार जब आप अप्लाई करेंगे अपने पैसों को निकालने के लिए तो कितने टाइम में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। देखिए, ऐसे तो ज़्यादातर फंड्स में आपको आपका पैसा मिलने में 2 से 4 वर्किंग डेज का समय लग जाता है, पर फिर भी कुछ फंड हाउस ऐसे हैं, अगर आपने उनके लिक्विड फंड्स में निवेश किया है तो वहाँ पर आपको इंस्टेंट विड्रॉ की फैसिलिटी भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक्सेस फंड हाउस के लिक्विड फंड में निवेश किया है तो वहाँ पर आप 50,000 रुपये अप टू 50,000 इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप अभी अप्लाई करेंगे और अभी के अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको अपने निवेश को निकालते समय कितना टैक्स पे करना होगा। देखिए, कुछ केसेस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है और कुछ केसेस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है, और कुछ सिनेरियो में आपको अपने स्लैब के अनुसार टैक्स पे करना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपको कितना टैक्स पे करना होगा और आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे। एक बार आपको इन सभी चीज़ों की नॉलेज हो जाए तब आप बड़ी ही आसानी से अपने म्यूचुअल फंड स्कीम से अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं, अपने यूनिट्स को रिडीम करके। देखिए, यहाँ पर आपको आपके पैसे निकालने के या फिर यूनिट्स को रिडीम करने के 2 तरीके होते हैं। आप ऑनलाइन भी ऐसा कर सकते हैं और आप अपने AMC में जाकर ऑफलाइन भी ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ऑनलाइन प्रोसेस को। इसमें सबसे पहले आपको अपने AMC की वेबसाइट में लॉगिन करना होगा, फिर उस फंड को सेलेक्ट करना होगा जिससे आप अपने पैसों को निकालना चाहते हैं, फिर उस अमाउंट को सेलेक्ट करना होगा, आप जितना भी अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक रिडीम रिक्वेस्ट रेस करना होगा, जो कि आप सिंपली रिडीम बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। एक बार आप रिक्वेस्ट रेस कर देंगे तो विद इन 2 to 4 बिजनेस डेज पैसे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएंगे। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू निवेश करते हैं, जैसे कि ग्रो या ज़ीरोधा, तो वहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस ही फॉलो करना होगा। आप अपने थर्ड पार्टी ऐप की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं या अपने पैसों को निकाल सकते हैं।
और आप इस काम को ऑफलाइन भी कर सकते हैं अपने AMC के ऑफिस में जाकर। वहां पर आपको एक रिडेम्पशन फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे कि फ़ंड अमाउंट, आप कितना अमाउंट रिडीम करना चाहते हैं, फोलियो नंबर एक्सेट्रा, और इन सभी डिटेल्स को फिल करके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे अपने फंड हाउस में। एक बार आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो विद इन 2 to 4 बिजनेस डेज पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। चलिए अब सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात जान लेते हैं कि आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप कंप्लीट विड्रॉ भी कर सकते हैं और आप पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टोटल निवेश की राशि 1,00,000 रुपये है तो आप कंप्लीट विड्रॉ कर सकते हैं, आप पूरे 1,00,000 रुपये को भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ 50,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं, आप सिर्फ 50,000 रुपये भी निकाल सकते हैं और 50,000 रुपये आपके स्कीम में बने रहेंगे और आपका स्कीम आगे जो भी रिटर्न देगा वो रिटर्न आपको आपके बचे हुए राशि 50,000 रुपये पे मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।